जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयत्न कर रहे होंगे, तो उस वक्त हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आपके लक्ष्य को बाधा उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित प्रयास करेंगे, परंतु आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, अपने जीवन पथ पर अग्रसर आगे की ओर एवं निरंतर बढ़ते रहना। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार कश्यप धर्मेंद्र मोटिवेशनल क्लासेज में संपूर्ण भारतवर्ष के समस्त दर्शकों श्रोतागणों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, ये टाइम एंड टेंस के मेरा 10वां कक्षा। पिछले कक्षा में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा किया था। हालांकि एक एग्जांपल देखें तो क्या वह पत्र लिख चुकी है। ट्रांसलेट किया जाए तो सबसे पहले है या हैव, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई, वह, वह कहें तो सी, सी के अनुसार क्या लगना चाहिए भाई, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई, वह के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, सी का। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखना के क्या होता है भाई, लेकिन आगे क्या होता है, टू राइट, उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा भैया, रिटेन। यहाँ पर क्या लिखोगे, रिटेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, पत्र, पत्र के क्या लिखोगे, अ लेटर। उसके बाद किचन वाल, फिर बात के, हाँ जी, इसके बाद क्या पढ़ना है भाई, इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नहीं के लिए डॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर बात के, हाँ जी, एग्जाम्पल की बात करें तो क्या मैं आम खा चुका हूं, ध्यान रहे कि सबसे पहले है जिया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई, मैं कहे तो आई, आई के आंसर क्या लगेगा भाई, हैज की है, क्या लिखोगे, है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई, मैं के लिए आई का इस्तेमाल करोगे, उसके बाद नहीं के लिए नोट का इस्तेमाल करोगे, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, खाना के वर्ब, वर्ब के थर्ड फॉर्म क्या होगा भाई, खाना के, बोलना, ईटन, हाँ जी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, आम, आम के क्या लिखोगे, आम मैंगो। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर बात के, हाँ जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो क्या वह पत्र नहीं लिख चुकी है, सबसे पहले है जो है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई, वाह कहे तो सी, सी के आंसर क्या लगना चाहिए, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई, वाह के लिए क्या इस्तेमाल करोगे, सी। उसके बाद नहीं के लिए नोट का इस्तेमाल करोगे, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, बताओ भाई, लिखने का टू राइट, थर्ड फॉर्म क्या होगा भाई, रिटेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, पत्र, पत्र क्या होगा, अ लेटर, किचन में, फिर बात के, हाँ जी। इसके बाद WH वर्ड्स, बताना भाई, स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट
और प्लस बी थर्ड और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। शुरुआत के हाँ जी एग्जाम्पल की बात करें तो मैं आम क्यों खा चुका हूँ। ध्यान रहे कि सबसे पहले WH वर्ड, तो बताना भाई WH वर्ड में सबसे पहले क्यों, क्यों के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, why। उसके बाद had या have, लेकिन according to subject, subject क्या है भाई, मैं कहे तो I के आंसर क्या लगना चाहिए है। उसके बाद subject, subject क्या है भाई, मैं के लिए क्या लिखोगे I। उसके भर के थर्ड फॉर्म क्या होगा eaten। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भाई आम के क्या लिखोगे आम मैंगो। फिर बात क्या हाँ जी नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो वह आम कैसे खा चुकी है। सबसे पहले WH वर्ड, तो WH वर्ड में क्या है भाई कैसे, कैसे के लिए क्या इस्तेमाल करोगे हाँ। उसके बाद है क्या है लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई वह कहें तो सी के अनुसार क्या लगना चाहिए है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था भाई वह कहें तो सी। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, अब वर्ब देखना